نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى الله مساجدها وشر البلاد الى الله اسواقها او كما قال عليه الصلاه والسلام محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز علماء کرام اور ائمہ کرام آپ کے محلے کا نام ہی دربار دربار کلاں یا دربار فورت جو بھی ہے لفظ سے ہی اشارہ لگتا ہے کہ پہلے یہاں بہت کچھ رہ چکا ہے مولانا رحمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو تعارف کرایا ہمارے مفتی عطا اللہ صاحب نے بہت اچھے انداز پر تعارف کرایا کہ یہی جگہ ان کی مولد ہے ولادت کی جگہ ہے یہ ان کا مقام تھا آج یہاں پر مسجد ہے آج انہی کے نام پر یہ مسجد ہے اور اس مسجد کو واقعی میں بڑا وسیع اور بہت اچھا ہونا چاہیے تھا جیسی ان کی شخصیت ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ سن 1854 میں جب عیسائیوں نے زیادہ پریشان کیا اور جگہ جگہ پر انگریز مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے حکومت مسلمانوں سے نہیں تھی اسے مسلمانوں کو زیادہ تنگ کرتے تھے تقریباً 20 سال ایسے گزرے ہیں 15 سال کہ یورپ سے برطانیہ وغیرہ سے انگریزوں کے ملکوں سے کھیپ کی کھیپ یہاں عیسائی مشنری آئی پادری آئے اور جگہ جگہ محلوں میں پہنچ کر گاؤں در گاؤں پہنچ کر شہروں میں پہنچ کر چوک میں کھڑے ہوئے ہو کر اسلام کو بدنام کرنا شروع کیا اسلام اور اہل اسلام کی توہین کرنا چاہیے حکومت ان کے ہاتھ میں تھی سب کچھ ان کا تھا لیکن اس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب شان دی ہے سوئے ہوئے شیر کی طرح پڑا رہتا ہے سوتا رہتا ہے سوتا رہتا ہے جب زیادہ ہی کوئی تنگ کرتا ہے ایک مرتبہ یہ کرتا ہے سب بھاگ جاتا ہے عجیب شان ہے مسلمانوں کی اہل اسلام کا سویا ہوا شیر ہے اس وقت بھی چھوٹے چھوٹے چمگادڑ اور گیدڑ اور لومڑیاں بیچارے شیر کے اوپر پھر رہی ہیں لیکن یہ تھکا ہوا ہے بیچارہ سن 1857 کا 1947 کا اس کے بعد ایسا سویا سویا ہی ہوا ہے لیکن یاد رکھنا جس دن اٹھے گا پھر سب بھاگ جائیں گی لومڑیاں ایسا ہے شیر تو اس وقت عیسائی مشنریاں اپنا پورا کام کر رہی تھی سب سے بڑا پادری عیسائیوں کا پوپ سب سے بڑا ان کا عالم
उसका नाम था संडर। जगह जगह इस्लाम के खिलाफ जहर बल्ला था, उलमा सत्य के आलम में थे कि हुकूमत इनकी फौज इनकी मुकाबला करे तो कैसे करे। फिर दूसरी बात ये थी कि मुताला कैसे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी मैदान में कूद देखी। इस घर में पैदा होने वाला ये बच्चा किराने का बड़ा आलिम, मुताला किया और ऐसा जवाब दिया है, ऐसा जवाब दिया है लिखा है किताबों में कि कयामत तक ईसाई इन जवाबात की वजह से अपने चराव को सही तौर से नहीं जला सकते। ईसाइयत के चराव इस कश्ती को नहीं जला सकते। ऐसी बातें उन्होंने कही। फांडर फंडर जो था पादरी, उसकी किताब का नाम था मीज़ान अल हक। बड़ा उसके ऊपर उसको गुमान था, घमंड था कि मैंने ऐसी किताब लिखी दुनिया इस्लाम कोई उसका जवाब दे ही नहीं सकता, ये समझ रखा था उसने। और दो वजह से कि हम चारों तरफ छाए हुए हैं, जबान हमारी यूनानी है या अंग्रेजी है और ये मुसलमान ये जबान जानते भी नहीं ढंग से, मुकाबला तो हमारा कर ही नहीं सकते, ये गुमान लिए बैठा था। जब मौलाना रहमतुल्ला केरानी रहमतुल्ला अलैह ने अंदाजा लगाया कि ये तो बहुत बुरा होगा, इससे तो इस्लाम बदनाम हो जाएगा, मुसलमानों के दिलों में शक और शुबा पैदा हो जाएगा कि हमें इस्लाम के पास कुछ नहीं, तो हजरत मौलाना ने तैयारी की और एक आदमी उनको मिल गया बहुत बेहतरीन जिसका नाम था डॉक्टर अजीज खान अकबराबादी आगरे की तरफ का। ये यूरोप में पढ़ रहा था, वहीं से ईसाई किताबें भी लिए आया, इंजील वगैरह जो भी थी इनकी। हजरत ने मुताला किया, इस आदमी ने भी मुताला किया, अंग्रेजी भी जबरदस्त जानता था और उनकी जबानें जानता था यूरोप वालों की, उधर ही पढ़ के आया था डॉक्टर अजीज खान। तो डॉक्टर अजीज खान तर्जमान बने, तर्जमा करने वाले और मौलाना रहमतुल्ला अलैह बयान करने वाले। मुनाजरे के लिए हजरत ने ललकार दिया खुद, मौलाना रहमतुल्ला ने कहा फंदर अब अपना नातिका बनकर जबान बनकर बहुत दिन दूर इस्लाम और इसमें अहले इस्लाम पर एतराजात किए हैं, अब मुकाबले के लिए आ गया अकबराबाद में आगरे में, तारीख तय हो गई सन 1854। डॉक्टर अजीज खान तर्जमान ट्रांसलेट करने वाले हजरत की जबान का उसको समझाने के लिए। तो फंडर जब आया है ये समझ के आया था कि ये तो बेहतरीन मौका मिला, हुकूमत के लोग मौजूद, पुलिस मौजूद, फौज मौजूद, हुकूमत के बड़े बड़े अहदेदार जो ईसाई अंग्रेज थे वो सब मौजूद, बड़े सबके चेहरों पर खुशी के आसार, आज तो और अच्छा हुआ हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सब मौजूद होंगे और सबके सामने मौलवी और मुल्ला आ जाएगा, ये समझ के जगह जगह पर यही तस्करे। अंग्रेजों ने हर जगह बात पहुंचा दिया कि बड़ा बाग में मुनाजरा होगा, वहां अहले इस्लाम को अपनी मुंह दिखानी पड़ेगी, हर जगह यही तस्करे, निजी मजलिसों में बैठकों में हर हर जगह आ गए। हजरत ने जो तकरीर की है फंडर में बड़ी अजीब और गरीब तकरीर की,
मंडल पर जो एतराजात किए हैं, बगले झांकने लगा, कोई जवाब नहीं बन पाया। उनकी किताब इंजील में आठ जगह पर तहरीफ साबित की कि देखो आठ जगह पर तहरीफ है तुम्हारी किताब में, रद्द बदल तुम्हारे जिससे कहानियां है देखो इसमें, तुम्हारे अल्फाज हैं, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह की किताब नहीं है, तुम्हारे अल्फाज है, अल्लाह की किताब तो शब्द का हो गया पूरी किताब में। बात बनाने की कोशिश की कि कातिल की गलती, लिखने वाले की गलती है जी, अगर मैं उसका भी जवाब दिया, शाम तक उसको सामने ठहरना मुश्किल, मुनाजरे का टाइम पूरा करना मुश्किल हो गया, और मुनाजरे के तीन दिन थे, दूसरे दिन भी आ गया मुंह लटकाए हुए पीला चेहरा, दूसरे दिन भी सही ठहर ना सका, और तीसरे दिन तो भाग खड़ा हुआ, आया ही नहीं मुनाजरे में, तो मुनाजरे में हिंदुस्तान में ही ना रहा, भाग गया यहां से। यह आपके इस जगह पर पैदा होने वाले मौलाना रहमतुल्लाह एक इसी रोड पर पैदा होने वाला एक और आदमी है, इसी रोड पर, इसी रोड के कस्बे में, गांव में, अल्लाह ताला ने इस रोड को बड़ी मकबूलियत दी है जो सहारनपुर तक गया है, सहारनपुर से लेके आप तक इस रोड पर जो गांव पड़ते हैं, कितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन, कितने बड़े बड़े तहरीक आजादी के सपूत, और कितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको अपने इतिहास से, अपने हिस्ट्री से आपको फुर्सत कहाँ है उसको देखने की, उसको मालूम करने की, पता ही नहीं। आप तो यही भी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने यूं कर दिया, महात्मा गांधी ने यूं कर दिया, आप इतना जानते हैं बस, ये 15 अगस्त का महीना चल रहा है, दो चार दिन में यही सुनेंगे, हर जगह रेडियो पे, हर जगह चौक में, स्कूल वालों से यही सुनेंगे, यही सुनेंगे महात्मा गांधी ने यूं किया, और जनाब फुला ने यूं कर दिया, जाने हिले नहीं है, हालांकि वो जीरो थे, हमारे बुजुर्गों ने उन्हें उठाया हीरो बनाने के लिए, ताकि ये मिल जाए हमारे साथ, और फिर हम गोरे सांप को यहां से भगा दें अंग्रेज। बहरहाल यह माना रहमतुल्लाह, अब 2 साल बाद सन 1857 हो गई, सन 1857 भी आप के पास लड़ी गई शामली के मैदान में, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर, ये तो आप लोग को अपने आप को इस वक्त खोए हुए हैं, नहीं तो केराने से लेके सहारनपुर तक की ये पट्टी और पूरा हिंदुस्तान एक तरफ, और ये रोड 80 किलोमीटर का 70 किलोमीटर का ही अलग, पूरी दुनिया में इसकी शोहरत, पूरी दुनिया में इनका ये सब, इन्हीं का नजरिया, इन्हीं ने जो मजहब समझा जिसको उलमाए देवबंद कहते हैं, और किताब को समझा, कुरान को समझा, यही तहरीक आज पूरी दुनिया में अगर असली शक्ल में है तो सिर्फ ये है, सबने अपना को खो लिया है। इस रोड पर कौन थाना भवन जहाँ मुफ्ती हिदायत दिलाई, जहाँ महाजी दाखिला, जहाँ मौलाना शरफ थानवी, और नानोते की तो शान ही अलग है, नानोता मौलाना हसन नानोतवी, मौलाना हसन नानोतवी, मौलाना याकूब नानोतवी, मौलाना मुल्ला वली नानोतवी, एक मौलाना मुनीर आलम नानोतवी, बड़े बड़े हजरात, बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, यहाँ आ जाओ कांदला, शेर जकरिया, मौलाना यहया, मौलाना मुफ्ती, मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदलवी, मुत्तकी अतका मुत्तकी कहीं इलाके में नहीं, इब्लीस कांदलवी, ये पूरा सहारनपुर से लेके यहाँ तक 70 किलोमीटर के इस एरिया को थोड़ा सा यूं हट गया, थोड़ा सा यूं हट गया देवबंद आ गया, थोड़ा यूं हट गया तो गंगोरम बैठा आ गया, बस रहा ये रोड। असल अल्लाह ने इतनी मकबूलियत अता फरमाई है इस रोड को, इस रोड के करीब करीब गाँव को,
में अहमदुल्ला के अठारह 57 आई, तो उसके बाद में जब फिर अंग्रेज कामयाब हुआ, उस तारीख को ज्यादा लंबा उत्तर नहीं करना इस बात को, तो मौलाना के वारंट कट गए मौलाना अहमदुल्ला के, सन 58-57 के बाद यहां से छोड़ना पड़ा। तमाम अमलाते होने लगी, बड़े लोग थे ये भी याद रखना, ऐसे ही थे गरीब किस्म के लोग, बड़े मालदार लोग, जागीरदारियां थी इनकी और इनके जमींदारी थे, तो यहां से चले हैं इरादा करके मक्का शरीफ का। रास्ते में अंग्रेज को पता चला कि वो रहमतुल्ला आदमी जा रहा है, एक गांव में ठहर गए करीब में, वहां पर हजरत को किसानों का लिबास पहनना पड़ा, गांव वालों का देहातियों का खालिस लिबास, हाथ में कुल्हाड़ी ली और वो काटना शुरू कर दिया दरख्त, पता नहीं चला सियाड़ी को हो नहीं तो किसान आदमी है। होते होते यहां से सूरत गुजरात के सूरत में पहुंचे, वहां के बंदरगाह पर फिर मक्का शरीफ पहुंच गए और वहां के शेख ताला ने बड़े आलिम उनसे मुलाकात हुई, पता चला कि ये आदमी इतना बड़ा आदमी है कि तहरीक आजादी का भी सबूत है और सन 1857 की, और ये फातिह ईसाइयत है, ईसाइयत को फतह करने वाला और फिर ईसाइयत को लाजवाब करने वाला, उनका मुंह बंद करने वाला, उनका मुंह तोड़ जवाब देने वाला ये आदमी यहाँ मक्के में आया हुआ है, और ये वहां के गवर्नर किसके पास गए, या शरीफ मक्का जो मक्के के इलाके का गवर्नर था, बादशाह का उस इलाके का हाकिम, सारा तारीफ कराया कि ऐसा ऐसा आदमी आया, तो उनकी बरकत से उनकी आजमत की वजह से फिर मदरसा सौलतिया बना। सौलत जहां एक औरत थी, उसने हिंदुस्तान की भोपाल की या जिस जगह की, उस सौलत जहां ने मदरसा बनाया था हजरत के लिए, मौलाना रहमतुल्ला के लिए। मालूम हुआ कि औरतें भी बड़ा हिस्सा लेती हैं मस्जिदों में और मदरसों में, बल्कि उनका बड़ा हिस्सा होता ही हमेशा, सेवरात की शक्ल में, कपड़ों की शक्ल में, और फिर मर्द को बेचारा उसकी मुट्ठी में है, ड्राइवर तो घर की वही है, अगर उसका जहन बन गया मस्जिद बनवाने का एकदम बन जाएगी। उस औरत का जहन ये है कि शादी शानदार होनी चाहिए, 9 लाख से कम खर्च नहीं होगा मेरे लड़के की शादी में, 9 लाख खर्च करवा के रहती है, क्यों ड्राइवर ये इतने ज्यादा कंडक्टर है, इसकी हैसियत ही क्या है। जब वो इतनी बड़ी बन बैठी तो हम बेचारी को ये दस्त बस्ता उससे गुजारिश करते हैं, जरा मस्जिद के को भी अपने दिल पे ले रहे इस मस्जिद को, और अपने मर्दों को इस्तेमाल करें कि देखो मस्जिद को काम करना है, बच्चे की शादी में कुछ कम खर्च कर देंगे, 9 लाख के बजाय 6 लाख कर लेंगे, 3 लाख मस्जिद में दे दें। बहरहाल औरतें सौलतिया मदरसा बनवाया, कहाँ मक्का शरीफ में, हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के नाम और हजरत मौलाना की अजमत के लिए वहां मदरसा बन गया, शरीफ मक्का बेहद कायल हो गया हजरत मौलाना रहमतुल्लाह के फंडर, यहाँ जो हार के भागा हुआ था फंडर पादरी ईसाई, वो किसी तरह पहुंच गया तुर्की में, मुस्लिम दुनिया कहते थे उस वक्त उसको तुर्की, वहां पहुंच गया और कहा कि मैं हिंदुस्तान से आया हूं और पूरे इस्लाम को मैं जेर करके आया हूं, मकबूल करके आया हूं, वहां के मौलानाओं को, वहां के मुल्लाओं को मैं लाजवाब करके आया हूं, पूरे हिंदुस्तान के उलमा पे मेरा कोई जवाब नहीं बना। ये जाके वहां उसने शुरू कर दिया, कहा तुर्की में सुल्तान अब्दुल अजीज वहां के बादशाह थे, बल्कि पूरी दुनिया के बादशाह थे मुसलमानों की, वो तो खिलाफत इस्लामी कायम थी जब तक, जब उसने जाके ललकारा तो हुज्जाज किराम आए हुए थे हाजी लोग मक्का शरीफ, तो शरीफ मक्का के पास इतना की गवर्नर मक्का के पास भी जरा मालूम करो हिंदुस्तानी हुज्जाज किराम आए हैं और फंडर एक यहाँ पर हमारे यहाँ ईसाई आया हुआ है, ये कह रहा है कि मैं मौलाना रहमतुल्लाह और पूरे हिंदुस्तान के उलमा को मैं जेर करके आया हूँ, उनकी बोल को बंद करके आया हूँ, नाके पाबंद करके आया हूँ, भाई जरा तहकीक करो,
जब शरीफ मक्का को ये बात कही है, क्या तहदीक करे, वो आलिम दीन व आलम व आलिम हिंद, वो हिंदुस्तान का आलिम तो मक्का शरीफ में मौजूद है, और वो फंडर जो तुम्हारे यहाँ आकर के भवंडर बिछा रहा है उसका नातिका बंद किया है, उसको खामोश करके आए हैं और उन्हें वहां से भागा है तुम दबा के, तहकीक कर लीजिए। अब बहुत आजमत और वैलू हुई किसके दिल में, सुल्तान अब्दुल अजीज के, कहने लगे इस आदमी को मेरे पास भेजो, इस आदमी दीन को एहतराम के साथ, बहुत एहतराम के साथ, इस्तकबाल के साथ सुल्तान अब्दुल अजीज ने अपने दरबार में बुलाया, और इस घर में पैदा होने वाला एक मामूली सा बच्चा क्या से क्या बना खलीफा, तो पूरी दुनिया का खलीफा, उन्होंने बराबर में बिठा के कहता है कि हिंदुस्तान में क्या मामला हुआ है समंदर के साथ, यहाँ आकर के कह रहा है। तो मौलाना रहमतुल्लाह साहब का जब नाम सुना समंदर ने, एकदम बंदर बन गया, बंदर और भाग गया वहां से भी, तुर्की से भी, सोचा ये मुल्ला को यहां भी नहीं छोड़ेगा, कहराने का ये मुल्ला साहब, मैं हाँ वहां से भागा। तो सुल्तान अब्दुल अजीज ने कहा कि देखो आप जो मुनाजरा हुआ है, बातें हुई हैं, आप ईसाइयत के खिलाफ तर्दीद में एक किताब लिखें। तो हजरत ने वही शुरू कर दी, कहा तुर्की में शाही मेहमान खाने में ठहरे हुए थे, वही लिखी, 6 महीने में इज़हारुल हक जो आज 3 जिल्दों में है वो किताब लिख दी, इतनी मोटी मोटी 3 किताबें, इज़हारुल हक उसका नाम रखा, और लिखा के शेख दहलान की तरफ इसकी निस्बत करता हूँ। वहां के उलमा ने कहा, वहां के गवर्नरों ने कहा कि बादशाह सलामत के नाम देना चाहिए आप, लेकिन मैं बादशाह सलामत के नाम नहीं दे सकता, मेरी व्यापारी के लिए थोड़ा ही नहीं किया, मुझे थोड़ा ही कोई यहाँ पर इनसे क्या नाम कोई नाम लेना है, कोई लालच अपना पूरा करना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं। शेख दहलान ने मुझे पहले कहा कि आपको किताब लिखनी असल बाइस और मुहर्रिक चूंकि शेख दहलान है, इसलिए उन्हीं की तरफ अपनी किताब का इंतजार करूंगा, बादशाह के नाम नहीं किया। वो किससे आखिर मान रहे, इस घर में पैदा होने वाला बच्चा और बात कर रहा है पूरी दुनिया के बादशाह के सामने, आंख में आंख मिला गया। ये आपका किराना कि आप अपने आप को भूल गए और किराना के चक्कर में पड़ गए, पड़ चून की दुकान कर ली, किराने के दो माना में, एक किराना ये आपकी बस्ती और एक किराना वही है पड़ चून की दुकान। किराने असल बनो जो अपने बड़ों ने हमें चीजें दी हैं उसी अंदाज पर हम रहें और अपने बच्चों को उसी अंदाज पर हम तालीम दें। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मुशाहिद को तिलावत की बड़ी शानदार, जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो भी शानदार ही पढ़ाएंगे, इनकी भी बदल की जरूरत है। अब जो असल मसला है जो आज का खास तौर से, लेकिन हजरत का तआरुफ भी बहुत ज्यादा जरूरी था, अगर हम यहाँ उनका तज़किरा न करते तो ना शुक्री होगी और वादे में एहसान फरामोशी होती, ना बड़ा मुहसिन मुसलमानों का और उसका तज़किरा ना आता तो वादे में एहसान फरामोशी होती, गलत बात है भाई। बहरहाल ये थे आपके मौलाना रहमतुल्लाह की रानी, आज उसी मस्जिद की तजदीद, उसी के लिए आप हजरात खास तौर से यहाँ जमा हुए हैं, उसी के लिए बहुत बड़ा यह आपके सामने प्रोग्राम रखा है, उसके लिए आप कोशिश करें। लेकिन हमें दुनिया की वैल्यू है, आदमी के सामने जिस चीज की वैल्यू होती है उसको मानता है। हदीस में आता है किसी ने रास्ते में चलती कोई चीज पड़ी हुई है, चलने वाले को तकलीफ हो रही है, उसे हटा दो, हम नहीं हटाते, क्यों झुकना पड़ेगा, वैल्यू नहीं है सवाल की सदके की हमारे जहन में। और तीसरी मंजिल पर आदमी खड़ा है, 200 रुपये 100 रुपये नीचे पड़े हुए देख ले, वो तेज आएगा नीचे, चाहे 75 साल का बुढ़ा ही क्यों ना है, चाहे गिर के चोट लग जाए 200 रुपये भी उसे मिले, वैल्यू है दिल के अंदर, उसकी आजमत है, उसकी अहमियत है, जल्दी से आएगा। हालांकि यहाँ ये भी खतरा जिसके गिरे हैं वो आ जाए, मेरा बड़े मियाँ क्या कर रहे हैं, मेरे हैं तो कितने कितनी सुबह की उठानी पड़ेगी, तोहिन होगी, लेकिन एक वैल्यू उठाना हुआ आएगा।
हमें भी देखना है कि मस्जिदों की अजमत और अहमियत और वैल्यू क्या बयान की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मस्जिदों को आबाद करते हैं ईमान वाले। इन्ना मा अमुरु मसाहिद अल्लाह मन आमन, मस्जिद को आबाद करने वाले को ईमान वाले, मस्जिद को वीरान करने वाले कौन? काफिर। देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, रात अल्लाह हिफाजत फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाह मस्जिदन बना अल्लाह लहु बैतन फिल जन्नत औ कमा कहा अलैहि सल्लतु वसल्लम। जिस आदमी ने अल्लाह का घर बनाया, फरमाया अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। वो कहेगा होगा सोने चांदी मोती हीरे जवाहरात से बना हुआ घर होगा वो, और हमने क्या किया, क्या दिया पत्थर, क्या दिया सीमेंट, क्या दिया सरिया, लोहे का सोने का नहीं, और इसके बदले में अल्लाह दे रहे हैं सोने का घर। आपको मस्जिदों की वैल्यू और आजमत दिल में होनी चाहिए कि इन पर खर्च करने का कितना बड़ा सवाब कि दुनिया में हमने मस्जिद बनवाई और अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत में घर बनाएगा, कितनी बड़ी बात। इसलिए बात हजरा मस्जिद मदरसा मजाहिर में मस्जिद कुलसुमिया, ये भी भोपाल की एक औरत थी जिसका नाम था कुलसुम, शहजादी थी नवाब, उसने बनाई थी मस्जिद कुलसुमिया मदरसा मजाहिर में। मदरसा मजाहिर वालों को ये कहा था किसी और का एक नया पैसा न लग जाए, ये पूरी मस्जिद मेरे सवाब में आए। औरतों की बात अल्लाह ना मानो, आपका थाना भवन चंद किलोमीटर दूर, यहाँ स्टेशन की मस्जिद, ये भी शहजादी भोपाल की एक बेगम साहिबा नवाब उस वक्त की, उन्होंने बनाई थी ये स्टेशन वाली मस्जिद। थोड़ी बहुत शिरकत थी कस्बे वालों की, नहीं तो पूरा पूरा चंदा उस औरत ने दिया था। कहां की थी ये भी? भोपाल की औरत। बहरहाल शहजादों की जामा मस्जिद बहुत अहमियत के हामिल है, बहुत बड़ी है, ऊंचाई पे है, बड़े खूबसूरत अंदाज है। ये किसने बनाई? गरीबों ने। गरीब लोग जब मस्जिद बनाने लगे चंदा लेने के लिए मालदारों के पास चले गए, उन्होंने कहा मियां तुम्हें थोड़ा बहुत इतना देना दे दो, हमें तो बनानी ही है, तुम क्या कर लोगे। गरीब आदमियों के दिल पे ऐसी लगी बात, किसी मालदार के पैसा लिया ही नहीं, गरीबों के पैसे से सहारनपुर की जामा मस्जिद बनी हुई है। औरतें आज भी चक्की रखी हुई है जामा मस्जिद में, सामने चक्की रखी हुई है, उसके अंदर खोआ और चूना औरतें अपने हाथ से पीस पीसा करती थी। गरीब लोगों ने तैयार की, मालूम हो मालदारों पर जरूरी नहीं, गरीब भी मस्जिद इतनी बड़ी बना देते हैं जो शहर की जामा मस्जिद है। क्या जिसके दिल में यह अहमियत और वैल्यू आ गई कि अल्लाह का घर और हमारी जिम्मेदारी, सब जिम्मेदारी हमारी है, हमारा मोहल्ला है, हमारी मस्जिद है, हमारा क्या हम क्या सोचते हैं मेरा लड़का ये खर्च होगा, मेरी लड़की ये खर्च होगा, तो आखिर हमारी मस्जिदें हैं उनमें कौन खर्च करेगा। मस्जिदों की आजमत और अहमियत ये कि जो यहाँ मस्जिद बनाएगा अल्लाह का घर कहलाता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मकान, कोई और हदीस ना भी सुनाई जाती यही काफी है। हजरत जिब्रील अमीन से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि सबसे बेहतरीन जगह कौन सी जगह है, जिब्रील अमीन ने कहा कि मैं अल्लाह ताला से पूछ के बतलाऊंगा। मस्जिदों का मरतबा देखिए, लंबी हदीस है जिसका ये मफहूम है,
जिब्रील अमीन अल्लाह के पास गए और सवाल किया, यार क्या हुआ? प्यारे नबी मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने सवाल किया है कि रूहे जमीन पर सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील करीब हो जाओ और करीब हो जाओ और करीब हो जाओ और करीब हो जाओ। फरमाते हैं जिब्रील अमीन अल्लाह ताला का इतना कुर्ब और अल्लाह की इतनी नजदीकी मुझे कभी हासिल नहीं हुई जितना इस सवाल को जवाब देने के वक्त मुझे करीब बुला करके कहा अब्दुल बिलादी इल्लाही मसाजिदुहा, सबसे बेहतरीन और महबूब जगह अल्लाह के नजदीक अल्लाह की मस्जिदें हैं, मसाजिदुल्लाह अल्लाह की मस्जिदें, और सबसे बुरी जगह इरशाद फरमाया वो है बाजार, शैतान अंडे देते हैं वहां बाजार में, इसलिए बाजारी लोग गाली गलौज धोखा टोपी उड़ाना उसे काट देना उसे भी भेड़ दिया हमने सौदा रात दिन ऐसे अल्फाज बोलना है जैसे डकैत बोलते हैं, अल्फाज भी उल्टे सुलटे बोलते हैं, बयान है ही वो बुरी जगह, अल्फाज कहाँ जाएंगे दुरुस्त, बुरी जगह फरमाया उसको। लेकिन याद रखना कि दीनदार वहां भी रहना चाहे तो दीनदार रह सकता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर जानबूझ के पास आते थे, फरमाया करते थे कि बाजार में मुझे लोग ज्यादा मिलते हैं, मैं सलाम करूंगा मुझे ज्यादा से ज्यादा सवाब मिलेगा, अच्छी नियत करके जाएगा वहां भी सवाब है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे ये बात सुनाई और इरशाद फरमाया कि दीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जितना मकाम मेरा बुलंद हुआ है मस्जिदों की आजमत की वजह से मेरा मकाम अल्लाह के यहाँ इतना कभी करीब नहीं हुआ। यह मस्जिदें जिनका इत्तेहाद भी बहुत ज्यादा जरूरी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर तशरीफ लाए मदीने पाक, सबसे पहले अपनी बीवियों के मकान नहीं बनाए, अपना मकान नहीं बनाया, सबसे पहला मदीना शरीफ में आके जो आपने काम किया है वो क्या? मस्जिद नबवी बनाई है, मस्जिद बनाई, और मस्जिद की जगह दो या तीन बच्चों की थी, सहल और सुहैल, जो हजरत जरारा बिन रबीआ रज़ियल्लाहु ताला की तहवील में थे, बड़े हो चुके थे, तो उनसे खरीद फरोख्त का मामला हुआ कि ये मस्जिद की जगह के लिए मौसम है मुनासिब है, आप कीमतन दे दे कीमत से, तो उन्होंने कीमत बदलाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने मस्जिद नबवी की जगह की जो कीमत थी दोनों लड़कों को साहब को और सुहैल को अदा कर दी। सुने क्या आया आगे बात, 1400 साल साढ़े 1400 साल पक्के हो गए मस्जिद नबी को बनी, 5 साल की कमी है बस 1450 साल बाद। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर जब तक ये मस्जिद रहेगी तेरी कब्र पर अल्लाह की रहमतें बरसती रहेंगी, अबू बकर जब तक ये मस्जिद रहेगी वहां इमारत होगी, वहां पर नमाजें पढ़ेंगे, वहां पर दुआएं करेंगे, वहां पर अल्लाह की जिक्र होगा, और ये सब आमाल अबू बकर सब आमाल का सवाब तुझे कयामत तक मिलता रहेगा, ये मस्जिद। तो आपने इस मस्जिद में हिस्सा लिया, रेत से लेकर सरिये तक सीमेंट तक पत्थर तक टाइल तक जब तक मस्जिद रहेगी, जब आप यकीनन कब्र में पहुंच जाएंगे, क्यों? आमतौर से मस्जिदों की मुद्दत उम्र 100-150 साल होती है, ज्यादा आमतौर से 100-150। और शाहजहां ने मुगलों ने किसी मस्जिद को हाथ लगा दिया वो तो 500 साल तक रहती है, क्या बरकत रखी थी अल्लाह ताला उनके हाथों में के काम में। तो मस्जिद अल्लाह का घर,
सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का घर बनाया ना, कहां मस्जिद नबवी बनाई है मदीना पाक में आकर। इसलिए मस्जिद माशाल्लाह इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, आपकी नमाजों का सवाब, और 100-150 साल तक जो नमाज पढ़ेंगे उनके जो यहाँ पर सजदे होंगे वो तिलावत करेंगे, वो अल्लाह का नाम लेंगे, आपके नाम आमाल में लिखा जाता है। अब आप देखें फिर बच्चे पढ़ेंगे हर मस्जिद में, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कम या ज्यादा हर मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम है। और ये तो मौलाना रहमतुल्लाह के नाम पर मस्जिद है, ये तो उनकी गली में मस्जिद है, यहाँ तो मस्जिद में मकतब ही नहीं, खुदा करे 2-3 मंजिल ये ऊपर बन जाए, यहाँ मदरसा चले बाकायदा, यहाँ पर तो उनकी याद में बहुत कुछ होना चाहिए। अब उधर महल्ले वालों ने गफलत की, ये अच्छी बात नहीं, इतने बड़े आदमी को बुला रखा है बदला, ये भी तौसी हो, और यहाँ मदरसा भी बने जहाँ तालीम मौलवियत तक की हो, इबादत की हो, हिफ्ज नाज़िरे की हो, क़िराअत की हो, सब चीजों की यहाँ तालीम हो, और हजरत की कब्र में उनको सवाब मिलता है ज्यादा से ज्यादा। ये आप हजरात को कारनामा अंजाम देना है, और पसंद खा के होते ये कारनामा जरूर अंजाम देना, जब इतना बड़ा आदमी है। अभी तक तो आपको पता ही था, मतलब अहमदुल्ला का नाम सुना होगा बस, और भी किस अंदाज में, वो थोड़ा हजी रहमतुल्ला ऐसे ही बोल भी रहमतुल्ला होगा किस अंदाज में, आपको ज्यादा वैल्यू नहीं। उलमा इस्लाम से पूछ के देखो, मदरसे वाले से पूछ के देखो, ये रहमतुल्लाह मौलवी कासिम के बाद रशीद गंगोही, ये 3 हजरत अगर हिंदुस्तान में पैदा न होते तो यकीनन अंग्रेज सबको मुसलमान को खत्म कर देता और सबको ईसाई बनाता, या हिंदू बनते या ईसाई रहते, कोई मुसलमान यहाँ पर नजर नहीं आता। ये सब का सब इन 3 आदमियों की मेहनतों का नतीजा है, 3 आदमी। इसलिए उनके नाम पर यहाँ लाइब्रेरी हो बाकायदा, उनके नाम पर यहाँ मदरसा हो, और इस मस्जिद को बेहतरीन किस्म की बनाई जाए, और चाहे आपको 50 लाख 1 करोड़ खर्च करना पड़े, लेकिन ये आप आज से इस कारनामे को अंजाम देने का पक्का इरादा लेके उठे। और मां पहले भी सुन रही होंगी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, अगर वो हिस्सा लेंगी और आपको उबारेंगी और आपको आगाह करेगी, फिर तो काम जरा बराबर मुश्किल नहीं। 15 लाख रुपए लड़की की शादी में आराम से वो खर्च करा देती है, कमाल है, ऐसी फूट भरती है। एक दो मरतबा पहना पड़ता है, मैं ऊँचा ना गुरुका हो कि मैं किमें चली जाऊंगी, या फिर इतना खर्च करना जितना मैं कह रही हूँ, वो बेचारा अपनी माँ को रोका है, इतना खर्च करता है जितना कह देती है बेचारा मैं ना। तो माँ बहनों को चाहिए कि दीन कारनामे को अंजाम देने के लिए मोटे से मोटा खर्च करें। ये मदरसे यहाँ मदरसा चलेगा, एक सवाब और सुनो, अभी तो एक ही सवाब बयान किया, क्या मस्जिद के नमाजियों का सवाब, तिलावत का सवाब बयान किया, उनके जिक्रुल्लाह का सवाब बयान किया, और दूसरा सवाब क्या है कि बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, है भाई ये रहने दो, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, फिर वो आगे पढ़ाएंगे, फिर वो आगे पढ़ाएंगे, फिर वो आगे पढ़ाएंगे। याद रखना, अब तो हजारों साल का काम हो गया, आपको कब्र में सवाब मिलता रहेगा जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, ये हजारों साल का सवाब है आप कब्र में, और सवाब हजारों साल तक मिल रहा है। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम मर जाता है, 3 चीजें फिर भी उसके नाम आमाल में लिखी जाती रहेंगी, वो क्या, उनमें से सदका जारिया, सदका जारिया वो यही है सदका कि न मस्जिद बना दी और उसमें फिर लोग नमाज पढ़ेंगे, ये उसकी तरफ से ऐसा सदका जारिया है, उसको कब्र में मरने के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। नंबर 2, ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे लोग नफा हासिल करें, यहाँ तलबा पढ़ेंगे, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, हाफिज बनेंगे, उनको इल्म आएगा, उस इल्म से फिर लोग आगे फायदा उठाएंगे, फिर उससे आगे फायदा उठाएंगे, फिर उससे आगे फायदा उठाएंगे, ये इल्म इल्तफा होगी, इससे लोग नफा इल्म नफा उठाएंगे। ये आपके कारनामे में और आपके
ये सवाल भी बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का, यहाँ पढ़ना उससे बड़ा सवाल है नमाज पढ़ने से। अल्लाह ताला हमें इस मस्जिद की तरफ मुतवज्जे होने की तौफीक अता फरमाए। शाह हिंद आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने खास तवज्जो दी है मस्जिद की तरफ। एक मोटी मस्जिद बनवाई थी आलमगीर ने, मोटी मस्जिद, मोटी, अपने महल से बाहर, लाल किले से बाहर। और ये कहा कि ये मस्जिद वो मस्जिद है कि जो अल्लाह का घर है, मैं चाहता हूं जब मैं यहां से सफर शुरू करूं तो अल्लाह के घर के पास से मेरा सफर शुरू हो, ऐसी नीयतें। और फरमाया कि मेरी, मैं घर से बाहर निकलूं सबसे पहले तो मेरी निगाह पड़े अल्लाह के घर पे पड़े। जब तैयार हो गई मोती मस्जिद, ऐलान कराया कि आज इसकी ओपनिंग होगी, आज इसका उद्घाटन होगा, इफ्तिताह होगा, आज मस्जिद का आगाज होगा, 7,000 आदमी आए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहली बार। 7,000 प्रोग्राम रखा। बादशाह सलामत ने उलमाए किराम को आगे बढ़ाने के लिए यह ऐलान किया कि जिसने बालिग होने के बाद आज तक तहज्जुद न छोड़ा हो वो सबसे पहली नमाज यहां पढ़ाएगा। लेकिन हम जैसा ही बोल बेचारे, कोई आगे पढ़ा नहीं हुआ। खैर हमसे अच्छे थे, हम तो खड़े हो जाते, कल को अखबार में तो नाम आ जाएगा कि भाई फुला साहब ने तहज्जुद की नमाज कभी छोड़ी नहीं, देखा जाएगा आप बंदे भी जो होगा। हम तो झूठ बोल लेते हैं, नहीं बात फरमा ऐलान कराया कि जिसने बालिग होने से आज तक नमाज तहज्जुद की नाफा न की हो बालिग होने से, वो नमाज पहली पढ़ाएगा मोटी मस्जिद में, मेरी इस मस्जिद में। कोई खड़ा नहीं हुआ। अब सुने आलमगीर क्या कहते हैं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं। कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप लोगों ने मेरा राज फाश कर दिया। मैं चाह रहा, मैं सोच रहा था एक नहीं 7,000 में सैकड़ों आदमी होंगे जो ऐसे होंगे, लेकिन मेरा ही राज फाश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बालिग होने से लेकर आज तक मेरी कभी तहज्जुद की नमाज नावा नहीं हुई। हिंदुस्तान का बादशाह तहज्जुद की नमाज कभी नाकाम नहीं हुई। और हमारी नमाजों का हाल फर्ज होगा, आया पढ़ लिया, नहीं तो नहीं, मीठा मीठा आता खट्टा खट्टा धो धो आराम से मिल गई मस्जिद, चार नमाज मिल जाने आराम से, ठीक सुबह को सोने पड़ेंगे फजर पड़ते ही। बात कर यहाँ तक हार के इमाम साहब के कपड़ा पीछे पकड़ के ये चाहे कि वहां खड़ा करते, हम खड़े होंगे चार वक्त में अगली सफ में और मुसल्ले पर मेहराम में। आज फजर में कहाँ चले जाओ, फजर में पड़े बेचारे मुमताज की तरफ इस तरह पर। अल्लाह ताला हमें पांचों नमाज का भी एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। और बात चल रही थी यही कि इस मस्जिद के अंदर आप लोग ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, आप लोगों का फर्ज और लोगों से अलग है। जहाँ के आप रहने वाले नाम के महल का दरबार और यहाँ मौलाना रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं की तरफ ये निस्बत, ये बड़ा कारनामा अंजाम देना चाहिए था आपको 50 साल पहले। मदरसा भी होता यहाँ बेहतरीन निज़ाम का, बच्चे बच्चियाँ पढ़ती और इसी तरीके से बेहतरीन मस्जिद होती। अल्लाह ताला है जो हो गया सुबह का खोया हुआ शाम को आ जाए तो कोई बात नहीं, अब तो आप इस कारनामे को अंजाम दें। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और सबको इसमें हिस्सा लेने की और ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी महल्ले के या शहर के या इलाके के जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहे, अल्लाह ताला सबको इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अभी आप हजरात बहुत ही संजीदा होकर और बहुत ही खामोश होकर बड़ी तवज्जो के साथ हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनीसुर रहमान साहिब उस्ताद मोहतरम जामिया मदाहिर उम सहारनपुर उनके बयान से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। मैं देख रहा था कि एक एक बातों को आपने बड़ी गौर से सुना है। मैं आपकी हालत को देख रहा था, आप हजरात को मुतवज्जे कर रहे थे,
और बता रहे थे कि मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी ऐसा अजीम मर्द मुजाहिद आपके दरमियान में पैदा हो, आपको तो उनके रंग में रंग जाना चाहिए था। और ये घर जो आज अल्लाह का घर है, एक वक्त ये था कि यहीं पर मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी इस अजीम मर्द कलंदर ने जन्म लिया था। तो होना तो ये चाहिए कि ये मकाम और अल्लाह का ये घर बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। हजरत वाला के बयान को सामने रखते ही मैं बात आपको कहना चाहता हूँ कि मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी की जात इतनी अजीम है कि अगर उनके नाम पर इस मस्जिद को हमें मोतियों से बनाना पड़ जाए तब भी दरेड़ नहीं करना चाहिए, अपने आप को पीछे नहीं।